नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बड़ी खबर की, श्योपुर से खबर है जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तीन कांग्रेस नेताओं पर मंत्री रामनिवास रावत की 6 साल पुरानी वीडियो पोस्ट कर छवि धूमिल करने का आरोप लगाए। बीजेपी नेता की शिकायत पर विजयपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। पूरा मामला श्योपुर से जुड़ा है जहां पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दरअसल तीन कांग्रेस नेताओं पर मंत्री रामनिवास रावत ने यह मामला दर्ज कराया है। 6 साल पुरानी वीडियो पोस्ट कर छवि धूमिल करने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी नेता की शिकायत पर विजयपुर थाने में अब मामला दर्ज हो चुका है। ज्यादा जानकारी लेने के सहयोगी दीपक दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, तीन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, रामनिवास रावत ने दर्ज कराया है, आखिर क्या था मामला, कौन सा वीडियो पोस्ट किया गया था जो सियासत इतनी हो रही है? जी बिल्कुल, अब उपचुनाव के बीच में 6 साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, जिसे लेकर के अब FIR दर्ज की गई है। विजयपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग संगार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये मामला 6 साल पुराना है, पहेला गांव का ये मामला है। तब एक युवक के द्वारा पानी की समस्या को लेकर के कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत को 6 साल पहले जब वो कांग्रेस में थे तब घेरा था और कई तरह के सवाल खड़े किए थे, तब ये वीडियो पोस्ट और शेयर हुआ था। इसकी खबर भी हमारे द्वारा दिखाई गई थी। अब उसी वीडियो को कांग्रेस के द्वारा फिर से ट्वीट किया गया है, तो इसे मंत्री रामनिवास ने छवि धूमिल करने वाला करार दिया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि उस समस्या का समाधान वो पहले करा चुके हैं और अब वहां पानी की कोई समस्या नहीं है। फिर भी कांग्रेस चुनाव में मुद्दा बनाने के लिए, उनकी छवि धूमिल करने के लिए इस तरह की षड्यंत्र कर रही है, इस तरह के वीडियो शेयर कर रही है। इसे लेकर के पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। तीन बड़े नेताओं पर FIR हुई है। अब रात को IT सेल की धाराओं के तहत भी FIR दर्ज करने की तैयारी पुलिस कर रही है। जी, वाकई ये शायद रीचेक नहीं किया जाता कांग्रेसियों के द्वारा, और कई बार हमने देखा है ऐसे वीडियो फोटो वो पोस्ट कर देते हैं, बाद में उन्हें ही फंसना पड़ जाता है। अब आखिर क्या लगता है, कुछ रिएक्शन जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, तीन दिग्गज नेता है? बिल्कुल, जहां तक रिएक्शन की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व विधायक, जो सबलगढ़ के पूर्व विधायक हैं बैजनाथ कुशवाहा, उन्होंने कहा है कि जब बाबू जंडेल जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका 1.5 साल पुराना वीडियो लेकर के भाजपा ने अब FIR दर्ज करा दी उनके खिलाफ। भाजपा आए दिन कई तरह के पुराने वीडियो को काट छाट करके पेश करती है, सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है और कांग्रेस की छवि धूमिल कर रही है, उस मामले में कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन हमारे नेताओं के द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया है, उस पर इस तरह की कार्रवाई की गई है, तो इसे उन्होंने सरकार की तरफ से एक तरह से निशाना साधा है और कहा है कि वो रुकने वाले नहीं है, कोई भी नेता चुनाव में नहीं रुकेगा और इसी तरह से कार्य करते रहेंगे और चुनाव जीत करके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए दीपक। आगे बढ़ते हैं, गुना का जिक्र करते हैं जहां पर पटाखा की दुकान में भीषण आग लगी है। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। दिखाते हैं तस्वीरें आपको, आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो चुका है। सिरसी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। देखिए तस्वीरें, भयानक आग ब्लास्ट की तस्वीरें। ये पटाखे यहाँ पर भरे हुए थे दुकानों में और यहाँ पर अचानक से आग लगी है और देखते ही देखते कई सारा सामान जलकर खाक हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं, गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं और आसपास भी आग फैलती हुई नजर आई है। धुएं का गुबार देख करके समझा जा सकता है कि कितनी भीषण ही आग रही होगी और अभी भी मशक्कत लगातार जारी है आग को बुझाने की, पर अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सिरसी थाना क्षेत्र की पटाखा की दुकान यहाँ पर थी जहाँ से ये आग शुरू हुई और देखते ही देखते आग बढ़ती चली गई, कई सारी दुकानों को अपनी चपेट में लिया, लाखों करोड़ों का यहाँ पर जो सामान था, पटाखे थे, वो जलने की बात भी सामने आई है और इसी वजह से आग लगातार विकराल रूप ले रही है, लगातार आग बढ़ रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या स्थिति बनी हुई है और क्या कारण बताए जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, ये सिरसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मार की महू इलाका होता है, इसमें हाट बाजार लगा हुआ था। आज हाट बाजार में ये आग लग गई है। इस आग के लगने से लगभग 30 आतिशबाजी की दुकानें थी वह जल गई हैं, 5 से 6 मोटरसाइकिलें जल गई हैं, 2 फायर ब्रिगेड लगातार वहां पर आग बुझाने का प्रयास कर रही थी।
अब जाकर ये बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। ये तो गनीमत रही कि किसी की जनहानि नहीं हुई है, ये बड़ी अच्छी बात रही। ऋतु, ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। दतिया का जिक्र करते हैं, बदमाशों पर रील बनाने का खुमार चढ़ा है, कट्टे और बंदूक के साथ रील बना रहे हैं, बियर की चुस्की लेते हुए रील बनाई गई है। बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है, वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भांडेर ब्लॉक के बेरच ग्राम का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर रील बनाने का खुमार सर पर चढ़ा है, कट्टे और बंदूक के साथ रील बनाते हुए युवा नजर आए हैं। ये देखिए, बियर की चुस्की लेते हुए ये रील बनाया गया। बदमाशों को पुलिस का किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है। और इसी बीच ये अब जब तस्वीर आई है तो कई सारे सवाल भी उठने लगे हैं। भांडेर ब्लॉक के बेरच ग्राम का ये वीडियो बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये कुछ लड़के हैं, युवा हैं, जो हाथ में बंदूक लिए लहराते हुए चलाते हुए नजर आ रहे हैं, किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। फिलहाल वीडियो आया है, कोई संज्ञान लिया गया है क्या? देखिए ऋतु, इस तरह के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। अभी भांडेर के ही कुछ समय पूर्व और वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें तीन युवक थे जो कट्टे बंदूक के संग फायर कर रहे थे, वो डांस करते हुए देखे गए थे। उसके बाद पुलिस ने उनको चिन्हित किया, बदमाशों को पकड़ा था। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पुलिस की कार्रवाई से कोई डर हो या बदमाशों में पुलिस का जरा भी खौफ हो, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे बदमाश लोग खुद अपनी पोस्ट ऐसी वायरल कर रहे हैं, जिससे लोग भयभीत होते हैं इस तरह की वीडियो देखकर, और बदमाश खुलेआम घूमते रहते हैं। अभी इस संबंध में मेरी एसडीओपी भांडेर से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि एक वीडियो तो बैरेज का लग रहा है, हम उसकी पुष्टि कर रहे हैं, जबकि दूसरा वीडियो के बारे में भी जानकारी हो रही है, और जो भी जानकारी सामने आती है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक। खबर इंदौर से है, जहां पर हिंदू लड़की को टुकड़े टुकड़े धर्मांतरण कराने की धमकी मिली है, टुकड़े टुकड़े करने की और धर्मांतरण कराने की धमकी मिली है। धमकी देने का आरोप सादिक नाम के युवक पर लगा है, जो लड़की को शादी का झांसा देकर कई सालों से यौन शोषण कर रहा था। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस को की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को यूपी के नोएडा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी से पीड़िता की मुलाकात कॉल सेंटर में नौकरी के दौरान साल 2018 में हुई थी, जिसके बाद आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसका लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था, और जब पीड़िता ने आरोपी पर शादी का दबाव बनाया तो उसने टुकड़े टुकड़े और धर्मांतरण करने का कराने का धमकी उसे देने लगा। थाना नसूरिया पर एक पीड़िता के द्वारा, एक विक्टिम के द्वारा शिकायत दर्ज कराई कि वो अपने एक साथी के साथ में, जब प्राइवेट जो कंपनी है उसमें काम करती थी, वहां आपस में एक दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद ये सभी लोग आपस में मिलते रहे, लेकिन बाद में जो आरोपी था उसकी शादी हो गई और इन दोनों का आपस में संबंध विच्छेद हो गया। लेकिन बाद में पुनः उसका तलाक होने से ये दोनों, मतलब जो पीड़िता थी और आरोपी सादिक था, दोनों आपस में फिर से मिलने जुलने लगे और इनमें पुनः दोस्ती हो गई। इसके बाद उसने, आरोपी ने, जो आरोपी सादिक है, उसने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और झांसे के साथ में अवैध संबंध स्थापित किए। पुनः जब इनमें कोई विवाद हुआ है तो ये सारा जो मामला है थाने के पास में आया है, और पीड़िता के द्वारा एक इसमें FIR दर्ज कराई गई है। पीड़िता के अनुसार इसमें FIR बलात्कार और अन्य धाराओं में की है, साथ में पीड़िता को धमकाया भी गया है। तो इस पूरे मामले में FIR दर्ज करके जो आरोपी है, आरोपी को भी राउंड अप किया गया है। और इधर ग्वालियर में MET यूनिवर्सिटी में छात्रा से रेप का मामला सामने आया, रेप करवाने का आरोप सीनियर छात्रा पर ही लगा है और रेप का आरोप सीनियर जय सिंह कुशवाहा पर लगा है। पीड़िता ने सीनियर पर रेप का केस दर्ज कराया, उसने अपनी शिकायत में कहा है कि नशीली ड्रिंक पिलाकर कार में रेप किया गया। पीड़िता ने महाराजपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। स्थित MET यूनिवर्सिटी की एक फर्स्ट ईयर की छात्रा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो MET यूनिवर्सिटी कैंपस में थी, उसकी थर्ड ईयर की एक सीनियर छात्रा उसे विश्वास में अपनी कार में ले गई और पार्किंग में ले जाकर उसने अपने दोस्त सीनियर दोस्त से मिलवाया और उसने कुछ उसे खाने और पीने की कुछ वस्तु दी, जिससे उसे नशा आ गया और उसके साथ में उसके साथी ने जो है उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा की रिपोर्ट पढ़ते जो है एक युवक और जो उसकी जो साथ
सीनियर छात्रा थी, उनके विरुद्ध दुष्कर्म व षड्यंत्र आपराधिक षड्यंत्र का अपराध पंजीकृत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में विवेचना टीम रवाना कर दी गई और घटनास्थल के CCTV फुटेज व अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और आरोपी को जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया। रीवा के गुड़ में गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले सभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने फरार चल रहे एक आरोपी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया, तो वहीं 7 आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। रीवा गैंगरेप के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल भी गिरफ्तारियां हुई थी और एक आरोपी बचा था, जिसकी आज गिरफ्तारी हुई है छत्तीसगढ़ से। बता दें, पूरा मामला रीवा का है, जहां पर पति पत्नी घूमने गए और इन लोगों ने हमला किया और युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आप सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो रेप का घटनाक्रम हुआ था, उसमें पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेने में सफलता प्राप्त की है और अभी सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जिससे कि पूरे घटनाक्रम जो है उसके बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा सके, किसका क्या रोल था, कैसे पूरी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में। रीवा गैंगरेप की पीड़िता का बयान सामने आया। पीड़िता ने दरिंदगी की कहानी बताई, आरोपियों ने कैसे उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। सुनिए। हम लोग भैरव बाबा मंदिर गए दर्शन करने, फिर वहाँ से हम लोग वहाँ से लौट रहे थे। थोड़ा आगे आकर हम लोग रुके 2 मिनट के लिए पत्ती फाटने। फिर हम लोग क्या किए, मतलब आए गुंडे, एक गुंडा आया, फिर हम लोग भागने की कोशिश किए तो नहीं भाग पाए, फिर 4 गुंडे सामने से आ गए, फिर मारने लगे। फिर हम लोग मतलब पूछे कि क्यों मार रहे हैं, हम लोग उनसे बोले कि आप क्यों मार रहे हैं, फिर वो क्या बोले कि मतलब मारे हम लोगों को, फिर जान से मारने की धमकी दे रहे थे उसमें से। फिर वो बता रहा था, हम मीडिया प्रभारी की लड़का आहन, फिर वो बोला कि तू पुलिस को चाहे जा कर ले, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। फिर हम लोग बोले हम लोगों को छोड़ दीजिए, हम लोग पति पत्नी है, तो अभी हम लोगों के साथ गलत कर रहे थे। उसमें से हम लोग चिल्लाने की कोशिश किए तो हम लोग मतलब कांच की बोतल लता रहे थे कि जो चिल्लावे तो जान से मार दे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। हमारे साथ 5 लोग थे और गलत कितने लोगों ने 5 ही लोग किए हैं गलत। वीडियो भी बना रहे थे हम लोग, कह रहे थे कि पुलिस के लगे चाहे चले जा, पुलिस हमारा कुछ न कर पाई। बोल रहे थे कि हमारा यही रोज का धंधा, हम लोग यही प्लान में ही रहते हैं 8-10 लोग। और सीधे में एक युवक को कॉलेज की युवती से प्रेम प्रसंग करना भारी पड़ गया। युवती के परिजनों ने रंगे हाथ युवक को पकड़ लिया और खुलेआम कपड़े उतारकर उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान युवती छोड़ देने और युवक से भाग जाने की गुहार लगाती रही। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। पूरा मामला रामपुर नैकिन विद्यालय का बताया जा रहा है। इधर भोपाल में एक युवक की चप्पल से पिटाई का वीडियो सामने आया। बदमाश ने युवक की चप्पल से पिटाई कर दी। जिस युवक की पिटाई हुई वो मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। मारपीट का CCTV सामने आया। मामला गौतम नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मऊगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर हाटा पुलिस चौकी में तैनात दरोगा को DIG के आदेश पर लाइन अटैच कर दिया। दरअसल दरोगा बृहस्पति पटेल और का एक जो है वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में दरोगा लुंगी पहनकर न सिर्फ पुलिस चौकी के भीतर घूमते नजर आया, बल्कि चौकी के ही भीतर फर्श पर बैठी फरियादी महिला को फटकार लगाते हुए उसे भगाते हुए भी नजर आया। इस वायरल वीडियो पर मऊगंज SP ने संज्ञान लिया और फरियादी महिला की शिकायत पर कार्रवाई की। चौकी प्रभारी के वायरल वीडियो की जांच कराने के भी निर्देश दिए गए। चौकी में अभी एक वीडियो वायरल हुआ है और उसमें एक महिला जो है वो कार्रवाई के लिए फरियाद कर रही है, तो उसमें हम लोगों ने मुकदमा कायम कराया है और भी कुछ उसमें चीजें सामने आई है, तो उसके संबंध में SDOP को हमने जांच आदेशित की है। पटेल है, उनका एक वायरल हुआ वीडियो, इसमें ये देखा गया कि वो लंगी पहन के
ड्यूटी पे है और एक महिला अवेदिका से चर्चा कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने पर तत्काल संज्ञान में लिया गया, उन्हें तत्काल पुलिस को नोटिस करके जांच की। और सीधे में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करा दिया। यह जमीन जल निगम के नाम पर है, लेकिन इस पर 40 सालों से कोतर खुर्द के ग्रामीणों ने कब्जा कर रखा था। कार्रवाई के दौरान लोगों ने आक्रोश जताया, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ ही कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तहसीलदार ने कहा कि कलेक्टर के आदेश पर जल निगम विभाग की जमीन पर अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। शासकीय जमीन लगभग 6 एकड़ थी, जिसमें से 2 एकड़ जल निगम को कलेक्टर महोदय द्वारा आवंटित की गई है, जिसे जल निगम को सौंपा गया है। कितनी भूमि थी? 6 एकड़ के आसपास भूमि है।